बच्चा लोग, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हार्ट। और आज हम लोग जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस के साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जान लिया था कि रेजिस्टेंस में कितने टाइप्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं। और मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ कि ज्यादातर बोर्ड के जो सैंपल पेपर्स हैं या जो भी होते हैं पेपर, वो जो है उसमें याद रखिएगा इस चैप्टर के इस न्यूमेरिकल ये आते ही हैं। कुल मिला के ये क्वेश्चंस अगर इससे ना बने तो पेपर अधूरा रहता है। तो वो एग्जामिनर ये जो मैं बता रही हूँ इसमें से जरूर ये कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर डाल देगा, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आएगा भी तो 4-4.5 नंबर का आएगा या लॉन्ग में आएगा, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिपेयर। तो यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया है, इसको एक बार हिंदी में भी बोल दूंगी और एक बार इंग्लिश में भी, ठीक है। और जनरली आराम से बस समझते चलना जैसे बताते जा रहे हैं। कसम से बता रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे और हर एक बच्चा जो नहीं कर पा रहा है वो कर लेगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। बट आराम से सुनते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। ये नहीं कि कल करेंगे परसों करेंगे, आज इतना करा देंगे सारे तरीके से तो उसको करते चलना, ठीक है। फिर कल एक और वीडियो डाल देंगे, इसमें और टाइप के क्वेश्चन करा देंगे। ओके ओके। इन अ सर्किट 3 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम आर कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंटायर कॉम्बिनेशन, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ए और बी के पूरे सर्किट का जो है वो 10 वोल्ट है। आपको भी मालूम है सीरीज है, सीरीज में जो करंट होती है, जो धारा होती है वो बराबर होती है, बट पोटेंशियल बदलता रहता है। इसीलिए अब ये जो 10 वोल्ट दिया ये पूरे सर्किट का दिया है, बात समझ रहे हो ना, ठीक। फिर 10 वोल्ट है, फाइंड करंट, इसमें आई निकाला, अब आई तो एक ही निकलेगा, और बोला है पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का अलग होगा, V1, V2, V3 अलग अलग होगा ना, क्योंकि यही तो हमने सीरीज में पढ़ा था, ठीक है। मैं देख लू मैंने कैमरा ऑन किया कि नहीं, ठीक है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, तब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों यहाँ पे हमने ये डायग्राम समझ लिया है, ठीक है। अब क्या है, पहले तो इन सर्किट 3 रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में। तो चलो सीरीज में पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। आर क्या होगा, आर जो है हमारा टोटल, क्योंकि देखो हमें करंट निकालने के लिए वोल्टेज तो पोटेंशियल तो पूरा दिया हुआ है, तो टोटल अगर आई मिल जाएगा, टोटल आर है तो हमारा आई निकल आएगा, ठीक है। चलो तो आर सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर1 प्लस आर2 प्लस R3, याद है बताया था ये है। अब R1 को हम मान लेते हैं 10 ओम, 10 प्लस 6 प्लस 4 कितना आएगा बताओ जल्दी, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। 20 ओम का ये टोटल प्रतिरोध आ गया, जिसको हमने R से डिनोट कर दिया। अब हमें करंट निकाल ली, तो हमें मालूम है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है ओम्स लॉ, अच्छा हिंदी में ही बताया ना, सुनो, किसी परिपथ में 3 प्रतिरोध है 10, 6 और 4 ओम के, जो कि सीरीज को क्या कहते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि विभवांतर जो है वो 10 वोल्ट का है। आप इसकी धारा बताइए, कुल धारा, और इसके हर एक प्रतिरोध में जो विभव है, विभवांतर है, वो बताइए, ठीक है। चलो अकॉर्डिंग टू वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ यही होता है हमें कि आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है जी 10, आर कितना आया 20, कितना आ गया 1/2, 1/2 का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी बताओ, 0.5 वाट एम्पियर, ठीक है। यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है। एम्पियर एएमपी लिख सकते हो या कैपिटल ए लिख दो, ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या है, हर एक का यहां पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि पोटेंशियल निकालना है तो बिल्कुल निकालते हैं। देखो इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें आई तो हर जगह, मैंने बताया ना पूरी जो सीरीज होती है उसमें करंट एक ही फ्लो होगी, तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे आर बदलते जाना है, ठीक है, और तुम्हारा करंट निकलता जाएगा। तो चलो इसको करते हैं, ठीक है, चलो करते हैं। V=IR, ठीक, V=IR क्या फॉर 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम के लिए कितना होगा सुनना, हाँ V, I क्या है तुम्हारा कितना निकला 0.5, समझ रहे हो ना, V निकालना है, V हमें किसके लिए 10 ओम के लिए निकालना है, तो इसको V1 मान लेते हैं, ठीक है ना बच्चे, V1
आर कितना है 10, कितना आएगा बस 5 वोल्ट, ठीक। फिर 6 ओम के लिए वी टू कितना होगा, आई हमारा वही है 0.5, प्रतिरोध कितना हो जाएगा 6, फिर 30 यानी कि 3 वोल्ट, अब 3 आएगा ना, 30 है पॉइंट के, 5 के बाद पॉइंट लगा तो एक पीछा आ जाएगा ना, तो समझ रहे हो ना कि 30 है, फिर 0.5 है ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक क्लियर। उसके बाद 4 ओम, 4 ओम वी थ्री मान लिया, अब इसमें क्या होगा 0.5 × 4, समझ रहे हो ना, अलग अलग के लिए वी आई आर लगाना है ना, तो V हमें निकालना है, I तो एक ही होगा, R हम अलग अलग लेते जाएंगे, बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 5 और 20 है पर ये 2 वोल्ट आएगा, सिंपल सी बात है, इसमें प्रतिरोध ये है तो इस सबसे आता जाएगा, बताओ कोई दिक्कत है, ठीक है, मतलब 2.0 लिखा है, दोनों को बात एक ही होती है, जीरो कंडक्ट नहीं, वो नहीं करता है, समझ में आ गई सबको क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ, ठीक है। देखिए पूरा बोर्ड पे दिख रहा है तुम लोगों को कि नहीं, हम तो इसी से परेशान रहते हैं, तुम लोग को नहीं दिख रहा आई थिंक, लेट मी शो यू, आई थिंक अब दिख रहा होगा, है ना, ठीक है, चलो ये ठीक है ना, अब दिख रहा बच्चे, और बताओ तुम लोग की पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, बहुत कम लोग देख रहे हो, तैयारी वाली खुद से ही लग रहा कर रहे हो, चलो ठीक है तैयारी करो, बस तैयारी से मतलब होना चाहिए, चाहे जैसे करो, ठीक है, अच्छे से करना, बस अच्छे से नंबर लेके आना, और ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस में ही मतलब लाओ, सारे सब्जेक्ट में मेहनत करो, और एक बात बताते हैं, हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है तैयार करने की, ठीक है, जैसे साइंस का है कि आप थोड़ा सा इसको रियल लाइफ से कनेक्शन करके कनेक्ट करके तैयार कर सकते हो, मैथ्स में खासियत होती है कि मैथ्स में जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आप नहीं इससे कनेक्ट हो सकते, तो सिंपल सी बात मैं बता रही हूँ कि मैथ्स आप जब भी पढ़ोगे ये तो सोचो ही ना कि हमें नहीं आएगा, मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी चीज उसको आप इंजॉय करके पढ़े, इंजॉय करके पढ़ने का मतलब है या तो ये करो, मतलब मेरी आदत थी कि मैं या तो गाना सुन के मैथ सॉल्व करती थी या फिर गाना गाते गाते सॉल्व करती थी, तो अगर आपको गाना अच्छा लगता है गाना तो करते जाओ, या अगर गाना सुनना पसंद है तो मैथ्स लगाओ और स्लो में बिल्कुल आराम से, और कोशिश करिए कि मैथ अकेले में लगाइए, नहीं कि टीवी चल रही है, भाई बहन टीवी देख रहे हैं या पापा टीवी देख रहे हैं और आप लगा रहे, नहीं आएगा, कंसंट्रेशन आपका नहीं है, समझ लो, फोकस रहने के लिए कोशिश यही करिए कि अलग ही उसको सॉल्व करिए, ठीक है, ओके चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, लिखते लिखते तो पागल हो जाएंगे, ठीक है, चलो बताते हैं, इन अ गिवन सर्किट अ करंट ऑफ, लिख लो, इन अ गिवन सर्किट अ करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर इज फ्लोइंग, यानी कि एक परिपथ में जो कि आपको दिया हुआ है उसमें 1.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, आर आपको निकालना है, सेकेंड रेजिस्टेंस प्रतिरोध निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि आपको विभवांतर निकालना है, तो इन्होंने क्वेश्चन दिया है सर, डायग्राम देंगे, ए दिया बी दिया, ठीक, और इसमें क्या किया, थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा, चलो इसमें क्या किया, 3 प्रतिरोध को ये बना के दिया उन्होंने, ठीक है, कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक, और इन्होंने क्या किया, ये आर है, मेरे को नहीं पता ये क्या है, इन्होंने गिवन नहीं किया है, ठीक, वो मुझे वही फाइंड करना, आर की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ओके, उसके बाद क्या दिया है, अच्छा इसके और इसके बीच का लेकिन पोटेंशियल दे दिया, देखो ये काम इन्होंने अच्छा कर दिया, वरना फंस जाते हम, ठीक है, 3.0 वोल्ट यानी कि 3 वोल्ट, चुपचाप से अगर बोले तो 3 वोल्ट करंट आ रही है, कितनी आ रही है 1.5 एम्पीयर, देखो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, बहुत आसान, इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, ये है करंट फ्लो हो रही है, इन्होंने बोला आर फाइंड करो, और क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी ए बी फाइंड करना है हमको, यहां से यहां तक का, यानी कि इतना तो दे दिया उन्होंने, बट तान्या तुमको इतना फाइंड करना है, ठीक है, तो बिल्कुल इसमें कोई परेशानी नहीं, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कुछ ना सोचो, इसका एक सर्किट डायग्राम बना दो पटाक से, चूंकि करंट इधर से आ रही तो पक्का इधर से ही तो निकली होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से तभी तो इधर जा रही, अब आपको मालूम है करंट एक ही जैसी होगी, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल ना,
पोटेंशियल बदलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पूरा पोटेंशियल निकाल लेंगे। पहले क्या करते हैं, पहले आर को ही निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? वी इज इक्वल टू आई आर, सिंपल सी बात है। आर हमें नहीं मालूम, वी हमें मालूम है, आई जब जगह सेम होगा तो निकाल लेंगे, बहुत आसान है। आर यहां रखो, वी अपॉन आई। चलो वी कितना है इसका, 3.0 नहीं लगाते, 0 है क्योंकि उसके बाद, और आई कितना 1.5, ये हटाया ये बढ़ाया कितना हो गया, चलो देखते हैं, 15 × 2 = 30 तो 2, यानी कि आर हमें कितना मिल गया, 2 ओम का। ठीक, अब टोटल वी निकालना, उन्होंने बोला वी निकालो पूरा ए से बी तक का, तो बिल्कुल निकाल लेंगे, हमें कुल धारा मालूम है, हमें वी निकालना है, लेकिन हाँ हमें कुल प्रतिरोध नहीं मालूम है। पूरा टोटल आर निकलेगा, टोटल आई है तभी तो टोटल वी निकल पाएगा, तो कुछ नहीं, हम लोग चलो उसमें लगाते हैं। चूंकि ये सीरीज में है, आपको दिख रहा है, अच्छा कभी कभी कंफ्यूजन होता है, आगे की न्यूमेरिकल करोगे तुमको लगेगा वो सीरीज होगा, पर वो होता है पैरेलल, तो कभी भी कोई भी डायग्राम आएगा उसमें करंट को फ्लो करके आप लोग दिखा देना, उसको देखो कितना बट रही है, कहां बट रही है, कहीं अगर दो डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो पैरेलल है ना कि सीरीज, अभी देखोगे आगे आगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो अभी तो ये सीरीज में है, तो सीरीज में तो आर टोटल निकालते हैं, कितना होगा 3, मतलब आर 1 प्लस आर 2 प्लस 2 कर लेना, आर 1 क्या ही लिखते हैं, कितना होगा 4 5 6 7 8 9 9 ओम। ठीक है, 9 ओम का हुआ। ठीक है, और 9 ओम के होते होते ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, V निकालना है, I 1.5, R कितना है 9। ठीक है, अब बताओ ये कितना आएगा, करके बताओ, 13.5 वोल्ट। ठीक है, इसको करके देख लेना, यही आएगा। ठीक, क्लियर। ठीक है, 15 × 135। ठीक है, याद रखना, कर लेना, कर लोगे, कोई कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सोल्यूशन पूरा देंगे, पूरी तरह से देंगे, बस आप हमारे उस पर चलते जाइए। ठीक, मैंने बोला ना सर्किट डायग्राम पूरा बना लिया करो, स्पीड इतनी हो जाएगी, प्रैक्टिस करते जाइए, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ना इसके, जो क्वेश्चन आए पूछो, कमेंट बॉक्स में डाल दो, समझ में लिख के, इतना तो लिख सकते हो, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आज पढ़ रहा है तो आज पढ़ रहे हो तो तुरंत बैठ जाओ, लगाने लगना, जब तक क्वेश्चन ना लगे सोना नहीं कोई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा अलग क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हम तुम लोग को पोस्ट कर देंगे, देखो हम कहते हैं पोस्ट कर देंगे, हो नहीं पाता है, तो हम सोच रहे हैं कि आज बैठ कर सारे जितने भी पुराने वाले न्यूमेरिकल थे वो भी डाल दूंगी और ये भी। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन है, अब इसके बाद वाले तो कर लोगे तुम लोग, एक क्वेश्चन अलग देते हैं। ठीक है, फाइंड इन द गिवन सर्किट, एक सर्किट इन्होंने दे दिया है बना के, थोड़ा ब्लैक कलर से लिखते हैं, चल नहीं रहा, एक सर्किट है ऐसे। ठीक है, उन्होंने ऐसे दिया, कितना प्यारा सर्किट है, वाह। ये इनका सर्किट है। ठीक, ई 3 वोल्ट, अरे पोटेंशियल ही है। ठीक है, बैटरी सेल का पोटेंशियल होता है। ठीक है, उसको भी आप मत इतना दिमाग लगाइएगा। ठीक, 2 अभी बताएंगे क्या होता है, 2 1 ओम 1 ओम। ठीक है, अब क्या क्या फाइंड करना है देखते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि आर टोटल हमें फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा मतलब ऐसा बोला इन गिवन सर्किट, एक परिपथ आपको दे दिया, इसमें आपको टोटल आर निकालना है, कुल प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और दूसरा करंट इन द सर्किट, और आई निकाला, ऑब्वियस ही बात है करंट निकलेगी। चलो अब इसको ऐसे नहीं करने लगेंगे कि बेवकूफों की तरह करने लग गए, करना क्या है भी देखते हैं। यहां से करंट निकली, भाई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पोटेंशियल में दिया हुआ है 3 वोल्ट का है, सेल का ही है वो पूरा होता है। ठीक, निकला, यहां से गई बेचारी बढ़ गई, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, फिर जैसे ही दोनों गई फिर एक हो गई, तो चलो अभी पहले क्या है, जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा बेटा याद रखना, अगर आपको कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में पैरेलल और सीरीज में दोनों में कंबाइन दिया है तो याद रखना, करने का तरीका होता है, वैसे ध्यान रखना कि इजिली कैसे कर लो, तो इजिली करने का मतलब है अगर आपको पैरेलल में दिया तो पैरेलल वाले को पहले सिंगल बना दो,
और फिर पूरा इंटायर जो तुम्हारा होगा वो सीरीज में बच जाएगा। तो उसमें कैसे करके दिखा रहे, हम लोग चाहते तो ये दोनों सीरीज में सॉल्व कर लेते, सीरीज में सॉल्व कर लेते तो ये एक खाली एक प्रतिरोध हो जाता, ठीक है। लेकिन नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, यही बता रहे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे क्या करो, पहले पैरेलल वाला जो है उसको एक बना दो, यानी कि सीरीज वाले को जोड़ दोगे तो एक सिंगल प्रतिरोध आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे करते हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर वाला जो है, अब देखते हैं क्या होगा। हमें अब मिला ये क्वेश्चन 1/r = 1/r1 + 1/r2, ठीक, बात समझ रहे। 1/r1 कितना है, 1/2 प्लस 1/2। 1/r कितना आया बता भाई, 2/2 कटा। अब ये जो वैल्यू आई है बच्चे, ये 1/r क्या है, ये ना रख देना क्वेश्चन कर रहे, ये तो समझ लो भैया 1 है तो तुम्हारा चलो आंसर सही जाएगा। ये 1/r की वैल्यू है, हमें क्या निकाला r, तो r को स्प्लिट कर दो तो ये बन आ जाएगा 1 ओम, ठीक है। चलो अब इसको बनाते हैं, यानी कि अभी प्रतिरोध कुछ ऐसा बन गया है, ये ऐसा है। अब तुम लोग इतना बनाना नहीं, तुम लोग को समझाने के लिए बना रहे हैं। अब ये नहीं कि पेपर में बैठ के ये बनाने लगे। अब ये दोनों मिलकर एक सिंगल प्रतिरोध बन गया ना, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया, ठीक। ये भी एक का है, ये भी एक का है, ये भी एक का है, ये कोई जरूरी नहीं है एक जैसे हो। बस अब तो सीरीज में ही देखो करंट निकली, अब सिंगल गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, यानी कि सारी सीरीज में। तो चलो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इसका, इसको रफ कर दूं, ठीक। अब तो समझ में आ गया, तो ऐसे ही निकालना है। ये क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं, लेकिन वही कह रहे ना कि अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई लेंदी वेंदी नहीं, मजा आती है, मुझे तो बहुत मजा आती है करने में, ठीक है। पहले नहीं समझ में आता तो टफ लगता था। चलो अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे यहाँ से निकला है, अब सारे प्रतिरोध जोड़ देते सीरीज में, तो r1 + r2 + r3। चलो हाँ जान जा रही मेरी, कितना r = 3 ओम। तो भैया हमें r मिल गया, अब ये प्रतिरोध कुछ ऐसा हो जाएगा दिखने में, मतलब ये 3 वोल्ट, ये एक सिंगल बना दो 6, ये गया हरी, कितना हो गया 3 ओम का प्रतिरोध लग गया। इसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलो अब हमें टोटल प्रतिरोध मिल गया 3, हमारा एक काम खत्म, हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरा हमें करंट निकालना, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है, ओम्स लॉ क्या कहते हैं, v = ir, v हमें मालूम है, i हमें निकालना है, तो चलिए निकालते हैं i = v/r। v कितना है, 3 है, ये भी 3 है, गया गया गया, i कितना है 1 एम्पियर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। तो कोशिश करना पहले आसान आसान जो क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हो जो मैंने समझाए हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। देखो इससे ज्यादा टफ में नहीं जा रहे, क्योंकि अभी तुम लोग को इतना पहले कर लेने दो, इससे ज्यादा अभी टफ में चले जाएंगे तो एक आध तो समझ जाएंगे, लेकिन नहीं फिर वो फिर बाकियों का मन हटने लगेगा, ठीक है। तो अब इससे टफ में अभी नहीं जाएंगे, रुक जाओ, एक क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं और तुम लोग मुझे सॉल्व करके दिखाओगे, ठीक है। हम समझ रहे हैं ना, फिर दिक्कत हो जाएगी तुम लोग को। चलो दो क्वेश्चन दे रहे हैं, यू हैव टू फाइंड। एक क्वेश्चन ये है, मैंने एक सर्किट दिया, चलो यही वाला सर्किट है, अब इसमें कुछ चीजें मैं चेंज कर दे रही हूँ। 2 वोल्ट की करंट फ्लो कर रही है, मुझे आंसर चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आज के, आज ही आंसर चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। और वीडियो छोटी बना रहे ताकि तुम लोग को मिल जाए, ठीक है ना। आज आज ही देखो, 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे ना, हमको टेंशन हो रही थी। 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। फिर 6 ओम, ठीक है। आप सुनो, खेला बहुत बड़ा हो गया है, ये निकालना है बच्चे, ये निकालना है। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेना। कैसे निकलेगा, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें मुझे आई निकालना था, इसमें आई नहीं निकालना है, तो आई भी है, वी भी है, आर ना निकाल पाओगे, निकल जाएगा, ठीक है। कर लोगे, कोशिश करना, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकाले, एक बार ट्राई करना, कैसे करोगे देखना तुम लोग करके, जैसे मुझे लग रहा नहीं कर पाओगे, रुक जाओ। अच्छा हम क्वेश्चन बता देते हैं, इंटरनल नहीं निकाल पाए, इंटरनल भी सिखाया नहीं, कैसे कर लोगे। चलो इसको करके दिखाना, ठीक। चलो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो,
क्वेश्चन नंबर टू क्या है? देखो थोड़ा अभी इजी बता रहे, मैं फिर से कह रही था कि तुम लोग अभी फिर मन नहीं करेगा तुम लोग का करने का, हम जानते हैं ना। करंट निकाल के देखना, देखना कहाँ डिवाइड हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, बस उसको करना। दो 10 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव है ये निगेटिव है, 4 ओम 4 ओम, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसमें करंट निकालनी है और टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कर लेना। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3। नहीं आएगा तो हम हैं बताने के लिए, इसलिए हम दे ही रहे हैं ताकि खुद करो एक बार अटेम्प। आधे लोग करेंगे नहीं तो इसी बहाने करेंगे कि मैम को आंसर देंगे, मैम को आंसर देंगे। कम से कम करोगे तुम लोग हैं। अब देखो तीन है, तीन पैरेलल में कोई बात नहीं, तीन पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगा देना, फिर वो सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले बोल दे रहे हैं कोई दिक्कत है, हम है ना। आई निकालना है, देखो आई निकालना है इसमें और आर टोटल निकालना है, ठीक है बच्चे। तीनों तीनों तीनों, तो सबसे पहले तो इन तीनों का पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल देना, फिर 1/r की वैल्यू आएगी, इसको स्प्लिट कर देना, r की वैल्यू हो जाएगी, फिर वो यहाँ पे एक नया बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉम्बिनेशन, इन दोनों सीरीज वाले में जोड़ देना तो एक सिंगल प्रतिरोध बन जाएगा, फिर निकाल लेना, ठीक है। आर और वी तुम्हें मिल जाएगा, तो आई नहीं निकालोगे, आई निकल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये इतना समझ में आया, ज्यादा आगे नहीं जा रहे क्योंकि ऐसा भी नहीं कर सकते कि तुम लोग को जल्दी जल्दी खत्म कराने के चक्कर में धोखा दें, मतलब कि पढ़ाएं और समझ में ना आए, ठीक है। क्योंकि हमें सारे बच्चों को देखना है, ऐसा नहीं है कि जो एडवांस में चल रहे हैं उनको देखना है, ठीक है। तो पढ़ते चलो, तैयारी करते चलो, और ये वीडियो इसलिए भी छोटी बनाई है ताकि 2 दिन में जो नहीं भेज पाए तो वो मिल जाए आपको, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।